जिला कांगड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिजविषा कार्यक्रम के तहत कांगड़ा की 26 बेटियों को घर द्वार पर बड़े शहरों जैसी कोचिंग देने की पहल जिला प्रशासन ने शुरू की है। कोचिंग के माध्यम से मेडिकल व नॉन मेडिकल की इन बेटियों को जेई व नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत हर बच्चे पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। जिला प्रशासन की माने तो कोरोना काल में इन बच्चियों को वेब क्लासेस के माध्यम से कोचिंग भी दी जाएगी, जो कि कोविड के बाद इन्हें क्लासों में बैठकर कोचिंग देने की व्यवस्था होगी। जिला प्रशासन की ये अनूठी पहल है, जिससे बेटों की तरह बेटियों को भी कोचिंग की व्यवस्था दी जा रही है। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिजविषा कार्यक्रम जिला कांगड़ा में शुरू किया गया है, जिससे जो मौका बेटों को मिलता है वो अब बेटियों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूलों की जो बच्चियां, उन्हें निःशुल्क मेडिकल व नॉन मेडिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो दिल्ली मुंबई या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में मिलती थी, उन्हें घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी कड़ी में रेड क्रॉस के और एंडू स्क्वेयर के माध्यम से 26 बच्चियों का चयन किया गया है, जो आगामी 2 साल तक कोचिंग प्राप्त करेंगी, जिस तरह बड़े शहरों की बच्चियों को कोचिंग दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत एक जिजविषा प्रोग्राम हमने पिछले साल जिला कांगड़ा में लॉन्च किया था कि जो CSR है जिले में वो पढ़े और बेटियों को भी वो मौका मिले जो बेटों को मिल रही है। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से मेडिकल की और नॉन मेडिकल की कोचिंग जो दिल्ली मुंबई या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में मिलती है उनको डोर स्टेप पर कैसे लाकर दे सकें, उसी कड़ी में रेड क्रॉस के माध्यम से और एडू स्क्वायर हमारे एक पार्टनर हैं उनके माध्यम से 26 बच्चियों का जिनका टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 50% वेटेज हमने 10th क्लास के बोर्ड्स को दिया था और 50% वेटेज हमने उनके टेस्ट स्कोर को दिया था। अब वेब क्लासेस के माध्यम से इन 26 बच्चियों को आने वाले समय में कोचिंग दी जाएगी और ये कोचिंग अगले 2 साल तक दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि कांगड़ा की ये बच्चियाँ जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ती हैं उनको वही मौका मिले जो अन्य बच्चों को बड़े शहरों में मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सुविधा मिले, ताकि ये अपने आने वाले समय में अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, जो मेडिकल नॉन मेडिकल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, चाहे जी हो गया या नीट हो गया, उसके लिए इनको हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा मिक्स होगा मॉडल जो पेडागॉजी का मॉडल है। इसमें पहले तो जो बच्चे हैं हमारे उनको अभी तो कोविड के टाइम में हम वेब क्लासेस के माध्यम से, जिसमें 2-वे इंटरेक्शन का मॉडल है, उसके माध्यम से उनको हम क्लासेस देंगे। उसके बाद जैसे ही कोविड का ये जो समय चला हुआ है वो ख़त्म होता है तो उसके बाद हो सकता है कि उनको हम क्लासेस में बैठा कर भी उनको कोचिंग दें। तो इसमें पूरी कोशिश की गई है कि हर बच्चे पे स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस हो, उनके जो स्कूल की पढ़ाई है वो उसको बिना बाधित किए हुए, उनका बिना समय का नुकसान किए हुए हर हफ्ते उन्हें उस प्रकार की कोचिंग देकर और उनका जिस प्रकार से जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसके करीब ले जा सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। हर हफ्ते दूसरे हफ्ते इनके टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद इनकी जो नेशनल रैंकिंग है उसके तरफ ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं आने वाले समय में देश के अन्य बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें।